महाबलेश्वर, नासिक, जहां से ये उद्धृत होती है, सॉरी सतारा, सतारा। और यहां पर पांच नदियां आकर के इससे मिलती हैं, जो जिस जगह पर मिलती हैं सतारा में, उसे प्रीति संगम के नाम से जाना जाता है। प्रीति संगमा, लवर्स मीटिंग पॉइंट। तो महाबलेश्वर से ही आ रहे हैं। ऊपर वाली है एक कोयना, सर ये वाली है कोयना, और नीचे तीन है। ये वाली कौन सी है? कृष्णा खुद, ठीक है। ये तीन है वेन्ना, तरली और उर्मोदी। और ये जगह है पवित्र तीर्थ स्थल, इसका नाम दूसरे कलर से लिख देते हैं, प्रीति संगमा। इसीलिए सतारा को कहा जाता है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, पांच नदियों का क्षेत्र। राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इनकी हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। राइट बैंक मतलब कि दाएं तट की साइड, इधर से जो आएगी वो बाएं तट की, और इधर से जो जाएगी वो दाएं तट की होगी। अगर हम मुंह का डायरेक्शन इधर को कर लें, जिधर को नदी बह रही है, तो हमें पता चल जाएगा कौन लेफ्ट बैंक कौन राइट बैंक। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो दाएं तट की नदियां हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, चंद प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा तथा तुंग भद्रा, ये हैं प्रमुख नदियां। चंद्र प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, और सबसे मेन वाली, सबसे बड़ी सहायक नदी तुंग भद्रा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी। इसके साथ साथ ये जो छोटी छोटी हैं, बेन्ना, तरली और उर्मोदी, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। छोटी छोटी हैं और मोदी, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अब इनकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी देखते हैं, भीमा, मूसी, पलेर, कोयना। पहले तो लेफ्ट बैंक, बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? भीमा, मूसी, पलेरु, मुनेरु, और एक कोयना, जिस पर कोयना डैम के कारण, जिसे का जिससे भूकंप आया था, कोयना बांध।
अब हम लोग देखते हैं इसका जो सहायक नदियों का जो जाल है, एक का हमने देख लिया, भीमा आती है, सर भीमा मुसीबत क्या लिखा है सर, पुलेरम पुलेरू पलेरू और इधर वाला बना लेते हैं। तीन नदी, तीनों एक साथ, चंद्रप्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, अलमत्ती, नारायणपुरा मिलती है। अभी इनके सबको लोकेशन बताता हूँ। तुंग और भद्रा दो नदियां आपस में मिलकर के बनाती हैं तुंग भद्रा। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी तुंग भद्रा। और कौन बची? हाँ, कोई नहीं बची। ये है इसका अपवाह तंत्र, जिसमें अभी हम कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। भीमा माथेरान पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट। इंपॉर्टेंट नहीं है इसको जाने, नोट कर लेते हैं। सर जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो सोर्स पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है? नहीं, कम इम्पोर्टेंट। ट्रिब्यूटरीज का सोर्स पॉइंट बहुत कम इम्पोर्टेंट है। जैसे उसमें ईब हो गया, ईब तो इम्पोर्टेंट हो गया जिसमें वो डैम बना हुआ है, तो उसका तो इम्पोर्टेंट है। बाकी का बस हाँ, जहाँ पर मिलती हैं अगर वहाँ डैम है तो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ मिलती हैं वो भी नहीं पूछा जाता है, वो भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, रायचूर, रायचूर में मिलती है भीमा। उसके बाद दूसरी है क्या कहते हैं, वजीराबाद से निकलती है मूसी, कहाँ गई? और मूसी कहाँ मिलती है, इसका जगह भी नहीं याद है, बताता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है जानना। ठीक है, अगली है पलेरू, पलेरू रिवर, ये निकलती पूर्वा घाट से। एक पहाड़ी है क्या कहते हैं यहाँ पर,
मलाई महादेश्वर है ना, तो वहां से निकलती है पलेरु पूर्वा घाट और ज्वाइन कहाँ करती है इसको भी छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं। और आंध्र प्रदेश में मुनेरु निकलती है पूर्वा घाट से भी, ठीक है। ये हैं इनकी प्रमुख सहायक नदियां। इधर इसमें केवल एक इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि हम लोगों को याद रखना है, जिसके बारे में जानकारी थोड़ा डिटेल में याद रखनी है, वो है तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा के बारे में देखते हैं कि दो नदियां हैं जो आपस में मिल करके बनाती हैं तुंगभद्रा, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, ठीक है, तुंग एंड भद्रा रिवर आपस में मिल गई बनाएगी तुंगभद्रा। और एंशियंट नेम इसका था पंपा, एंशियंट नेम ऑफ तुंगभद्राबाज पंपा। और यहां पर क्या कहते हैं, पहले हम्पी, हम्पी किस लिए प्रसिद्ध है, विजयनगर एम्पायर की राजधानी हुआ करता था, है ना। तो विजयनगर एम्पायर के रिमेन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फेमस जो हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ कर्नाटका की हम्पी में है, और एंशियंट पीरियड से हम्पी का बड़ा महत्व रहा है, वो इसी नदी के तट पर था, ये एक इंफॉर्मेशन है। क्या जी म्यूजिकल रॉक्स वाली हम्पी, म्यूजिकल रॉक्स से टेंपल जो बना हम्पी में, तो म्यूजिकल रॉक्स तो, अच्छा वो हाँ समझ, हाँ 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 हाँ, पत्थर होते हैं, पत्थर पे अलग अलग से अलग अलग धुन निकलती है, पत्थर ऐसे अरेंज है कि उन पर अगर डंडा मारोगे तो सब में एक म्यूजिक शुरू लगेगा, अलग अलग म्यूजिक वाले पत्थर है ना, तो इसलिए वहाँ म्यूजिकल स्टोन वहाँ पर एक जगह पे है ये, ठीक है, ऐसा अरेंज किया गया है पत्थरों को। ये निकलती कहाँ, वराह पर्वत, वराह पर्वत, वराह मतलब सुअर, हिरण्याक्ष की लड़ाई हुई थी यहाँ जब भगवान ने वराह अवतार धारण किया था उसका वध करने के लिए। तो वहां से तुंगा निकलती है, ठीक है, तुंगा रिवर यहां पर इस नदी के तट पर है कुदेरमुख, आयरन ओर जो है उत्खनन किया जाता है वहां से कुदेरमुख, तो उससे थोड़ा पोल्यूट हो जाती है नदी क्योंकि यहाँ पर आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। और वहीं पर भद्रावती से निकलती है भद्रा, ठीक है, इसका जो है वराह पर्वत है और गंगमूल, गंगमूल जगह है जहां से निकलती है तुंग, ये और भद्रा निकलती है भद्रावती, ये भी कर्नाटक में है, भद्रावती से निकलती है भद्रा, दोनों आपस में आकर के मिलती है कुडली में, ठीक है, शिमोगा में एक जगह है कुडली। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर, ये कुडली लिखे हैं KOODLI, कुडली, ठीक, वहां दोनों जाकर के मिल जाती हैं कुदली शिमोगा, ठीक है, और वहां से बन जाती है शिमोगा, कर्नाटका में है, ये सब कर्नाटका का ही खेल है,
ये यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहां से बन जाती है तुंगभद्रा, और फिर ये आगे बढ़ती है गोंडीमल्ला जगह है महबूब नगर आंध्र प्रदेश में। गोंडीमल्ला महबूब नगर, वहां पर दोनों आपस में मिल जाती हैं, मतलब कि वहीं से यह कृष्णा में मिल जाती है महबूब नगर में गोंडीमल्ला से, ठीक है। अब तुंगभद्रा सबसे लंबी है, कृष्णा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, इसको नोट कर ही चुके होंगे हम लोग, है ना। कुछ अन्य बातें इससे जुड़ी हुई जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, और जैसे कृष्णा के बारे में तो वैसे इसके बारे में भी कुछ बातें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, उसको हम नई स्लाइड पर बना लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे किसके बारे में, तुंगभद्रा के बारे में, तो पहला पॉइंट क्या है, ये कहां पर मिलती है ना। सबसे पहली बात यहां लिखे, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ कृष्णा, यह कृष्णा की सबसे प्रमुख एवं बड़ी सहायक नदी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ कृष्णा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर हम ले सकते हैं, इट ओरिजिनेट फ्रॉम कुदली एज द कंबाइंड वाटर ऑफ तुंग एंड भद्रा रिवर मीट एट शिमोगा सिटी, ठीक है। ये जो अभी बनाए थे ये, इसको लिख लो ऐसे, सर हिंदी में बोल। हाँ, यह तुंग तथा भद्रा के, यह तुंग तथा भद्रा के मिलन बिंदु कुदली शिमोगा नगर कर्नाटक से उद्धृत होती है, और ज्वाइन कृष्णा रिवर एट कौन जगह बताया था, गोंडीमल्ला ना, कुडली शिमोगा में ना, नहीं नहीं कहां कहां मिलती है कृष्णा से, गोंडीमल्ला, गोंडीमल्ला महबूब नगर आंध्र प्रदेश, महबूब नगर गोंडीमल्ला, हाँ गोंडीमल्ला महबूब नगर में जाकर के मिल जाती है। दो बात इसकी इंपॉर्टेंट होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हरिहरेश्वर मंदिर है, इसके हरिहरा नगर है, एक वहां पर हरिहरेश्वर टेम्पल है, हरि हरेश्वर टेम्पल नदी के तट पर है। ये किनका है, भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों लोगों का है, ठीक है। यहाँ पर एकीकृत हो गए हैं दोनों, शंकर भगवान और विष्णु भगवान आपस में एकीकृत हो गए हैं। हमेशा लोग शंकर जी और विष्णु में विभेद करते थे, तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि हम दोनों एक ही हैं। हरि विष्णु कहते हैं और हर शंकर को ना कहते हैं, हर हर महादेव ना, ऐसे करते हैं जी सर। चौथी बात, विजयनगर एम्पायर का रुइन, रुइन ऑफ विजयनगर एम्पायर हम्पी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, इट इज वर्ल्ड यूनेस्को इनलिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य
का जीवंत साक्ष्य। हम्पी ये क्या था, राजधानी हुआ करता था, कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसी नदी के तट पर है, उसको इतना समझ जाओगे कि हाँ इसी नदी इसी की बात की जा रही है। और क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय धरोहरों की श्रेणी में यह शामिल है। और यहाँ पर एक मंदिर है, विजयनगर मंदिर, विजयनगर मंदिर। तो ये अगली बात इंपॉर्टेंट, इससे एक और महत्वपूर्ण क्या कहते हैं नगर है जिसके बारे में पेपर में पूछा जाता है, आलमपुर। ठीक है, आलमपुर लाइज इन द लेफ्ट, या ऐसे कह सकते हैं नॉर्दर्न बैंक ऑफ दिस रिवर। आलमपुर इस नदी के उत्तर उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। इतना शोर मचा रहे हैं आजकल के बच्चे। अच्छा, तो आलमपुर फेमस क्यों है इसकी बात करें, इसे कहा जाता है दक्षिण काशी, दक्षिणा काशी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इज नोन एज काशी ऑफ साउथ या दक्षिणा काशी। दक्षिणा काशी के नाम जाना जाता है आलमपुर, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर ये है कहाँ, ये महबूब नगर में है, जहां पर की ये ज्वाइन करती है वहीं पर है ये आलमपुर। ठीक, एक मिनट सपोर्ट करना। ठीक, यहाँ ये फेमस है, यहाँ पर विख्यात नव ब्रह्म मंदिर, नव ब्रह्म टेम्पल। ये ब्रह्मा नहीं है, नौ ग्रह ब्रह्म है। म्यूट कर लो बाकी लोग। आप ही म्यूट कर दीजिए। नौ ब्रह्म टेम्पल, ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों अलग हैं, ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। और नौ जो है ब्रह्म है, मतलब ये दिखा कोई एक ब्रह्म नहीं है, नौ ब्रह्म है और अलग अलग नंबर की खोपड़ी वाले ब्रह्म है, और सब वहां पर अलग अलग उनके कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। ठीक है, और द्राविड़ शैली पर बना हुआ है पूरा पूरा। इसके अतिरिक्त और भी कई जगहें हैं, जैसे भद्रावती, हासपेट, है ना, ये सब जगहें भी हैं
जो कि इम्पोर्टेंट है। अगली बात आती है भीमा से भी जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ये हो गई तुंगभद्रा से जुड़ी हुई बातें, ये हो गया हम का, ठीक है। भीमा से भी जुड़ी हुई कुछ, क्योंकि भीमा लेफ्ट बैंक की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर भीमा जो है, भीमा शंकर पहाड़ी से निकलती है। शंकर भगवान का बहुत बड़ा क्या कहते हैं भक्त था, लेकिन राक्षस था, और शंकर जी ने फिर उसको मारा था। और ज्योतिर्लिंग भी है भीमा। अभी तो आपने से माथेरान पहाड़ी बताया था महाराष्ट्र, माथेरान हिल में ही है भीमा शंकर चोटी, है ना, भीमा शंकर पीक है, ठीक है, चोटी है, और पहाड़ी है माथेरान, ठीक है, वहां से निकलती है भीमा, मतलब कि जिस पहाड़ी पर ये ज्योतिर्लिंग भी है, यहाँ पर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग भी है भीमा शंकर, वहां से ये उद्देश्य होती है, निकलती है। और दूसरी बात, ये भी लिख रहे हैं कंफ्यूजन, माथेरान हिल, ठीक है, पहाड़ी पहाड़ी में चोटियां होती हैं, ढेर सारी चोटियां होती हैं, जैसे शाखा में शाखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह है बाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। सबसे बड़ी सहायक नदी। फिर इस पंढरपुर एक बहुत ही पवित्र नगर है, इसी नदी के तट पर है। पंढरपुर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भी अवस्थित है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे मंदिर हैं, एक तो हो गया भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, और है सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश जी का मंदिर है सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक मंदिर, और कौन सा है, श्री दत्तात्रेय मंदिर, कौन से दत्तात्रेय, दत्तात्रेय को तीन देवताओं का अवतार माना जाता है, अंश माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों, इसलिए इनको जो इमेज अगर देखोगे गूगल पे तो उसमें तीन खोपड़ी उनके दिखाई देगी, ठीक है, जिनको माना जाता है ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों के अंशावतार, ठीक है। ये मंदिर गुलबर्गा में है। अगला है श्री
श्री क्षेत्र रसंगी बहुत सारे मंदिर। रसंगी मंदिर और ये भी गुलबर्गा में ही है। बाल भीमसेन मंदिर ये भी वही गुलबर्गा में ही है। बाल भीमसेन टेम्पल ये भी गुलबर्गा में। अगला बात करते हैं थोड़ी सी बात मालप्रभा घाट प्रवाह की भी कर लेते हैं। मालप्रभा कनकुंभी बेलगाम जिला में है। कनकुंभी वहां से निकलती है। डिस्ट्रिक्ट और कुड्डल संगम जगह है जहां पर बगलकोट में आकर के मिलती। ज्वाइन कृष्णा एट कुड्डल संगम बगलकोट। हुबली नगर इस नदी के तट पर है, ठीक है। हुबली और पूरी हुबली को पानी की सप्लाई इसी से होती है, ठीक है। मालप्रभा की दो तीन सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी हैं, वो सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। हरिहल्ला तुपरी हल्ला 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 दिखाई दे जान लेना इसी सहायक नदी है। दूसरी है घाट प्रभा। घाट प्रभा सेम लोकेशन है, है ना। हिदकल थोड़ा सा बगल में, यानी कि ये भी पहाड़ी लेकिन इसकी वही है कनकुंभी। ये भी वही सेम जगह से निकलती बेलगाम, ठीक है। और हिदकल में जाकर के एकदम बगल है कुदल संगम के। हिदकल हिदकल में जाकर के मिलती है। हिदकल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं घाट प्रभा प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उनका नाम है हिरण्याक्षी और मार्कंडेय, दो प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं। हिरण्याक्ष राक्षस था और मार्कंडेय ऋषि थे जिनको शंकर भगवान ने बचाया था, उनकी प्राण जाने से बचाया था, ठीक है भाई। हो गया ये तो, ये थी इनकी प्रमुख सहायक नदियां। ये था इसका पूरा कंप्लीट मैप वर्क। यहां पर जाकर के ये खत्म होती है कृष्णा नदी के बारे में बातें। बाकी सारी बातें हम लोग नोट कर ही चुके हैं। अच्छा डैम वगैरह कुछ बताए थे कि नहीं, कौन कौन सा डैम है? नहीं सर, नहीं बस एक डैम बताया था। अच्छा तो नोट कर लीजिए कि कौन कौन से बांध बने हुए हैं इस पर, प्रोजेक्ट कौन कौन से। एक तो तुंगभद्रा डैम,
कोयना जी, कोयना पे जो बताया था बस एक ही कोयना डैम, कोयना डैम, तुंगभद्रा डैम, घाट प्रभा डैम, बड़ा आसान सा है, अगर ट्रिब्यूटरी याद है तो याद हो जाएगा। लेकिन एक और बताया थे बहुत इंपॉर्टेंट सा, नागार्जुन सागर ना। यस सर, यस सर। नागार्जुन सागर बांध, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अलमट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रो पावर प्लांट भी है, ठीक है, अलमट्टी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये सब तो आसानी से याद रहेंगे, ठीक है। भद्रा नदी पर भद्रा डैम, भीमा पर भीमा, बड़ा आसान सा है, भीमा, ठीक है, भद्रा, सही सब डैम ही है, बराज बराज भी है, नहीं डैम, ठीक है, डैम है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो ये था क्या कहते हैं, तुंगभद्रा से नहर भी निकाली गई है, बंगलुरु को जो है पानी सप्लाई उससे दी जाती है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब कि बेंगलोर जो है इस नदी से सप्लाई पाता है। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी बता दिए थे ना, अब जाकर के हम लोगों का ये खत्म होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे कावेरी रिवर, कावेरी नदी, नेक्स्ट और नीचे आ जाते हैं। पहले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नोट कर ली जाए, जो पेपर में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है भाई, कावेरी की कहानी तो हम लोग जानते ही हैं, है ना, कि ये कर्नाटक का कडागु, हाँ कुर्ग, कडागु पहाड़ी है ना, कुर्ग, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट जहां से की ये उद्धृत होती है, कर्नाटक में और तमिलनाडु दो राज्यों में बहती है। ये इनका जो ये एक देवी थी है ना, विदुषी भी थी सर, दोबारा बात, हाँ सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, दोबारा बता देंगे सर कहां से उद्धृत होती है कडागु पहाड़ी फिर? हाँ सब बता रहा हूँ फिर से, अभी सब नोट कर दूंगा। ठीक सर, ओके सर। पहले इनका जो नाम था कावेरी था, फिर उसका नाम बदल गया, लोपामुद्रा हो गया, और इनका विवाह हुआ था अगस्त ऋषि से, ठीक है, अगस्त ऋषि से इनका शादी हुआ था। उस समय क्या था कि ये विंध्य पर्वतमाला बहुत ही ऊंचा उठता चला जा रहा था, इस कारण से मरुस्थलीकरण हुआ जा रहा था। यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला जो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत था, ये कहते हैं कहानी में, मतलब ज्योग्राफी की तरफ से नहीं, एंशियंट स्टोरी की तरफ से। तो इस ये जो है शिष्य था अगस्त ऋषि का, अगस्त ऋषि से सब लोगों ने क्या कहते हैं, पहले तो देवी से प्रार्थना किया, दुर्गा जी से, दुर्गा जी को चापलूसी करके उसने खुद ही कहा कि आप पर्वतवासिनी, आप हमारे ऊपर चरण रख दीजिए, है ना, उसके बाद उनको अपना खोप चिम ले लिया, दुर्गा जी क्या कहते हैं प्रसन्न हो गई इनसे, है ना, इसकी सरलता से, और स्थापित हो गई। अब जब दुर्गा जी स्थापित हो गई तो कोई उसका कुछ कर ही नहीं सकता था, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई, जब साक्षात देवी दुर्गा बैठी हुई, तो अब एक ही सहारा था
कि अब गुरु जी के पास जाओ इनके। तो अगस्त ऋषि से सब लोगों ने कहा तो उनका ठीक है हम कोई रास्ता निकालते हैं। तो वो अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पहुंचते हैं, इससे कहते हैं नीचे हो जा हमको रास्ता दो, है ना। तो अब वो क्या होता है धीरे 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 नीचे हो जाता है, लेकिन इसमें काफी वक्त लगता है और काफी वेट करना पड़ जाता है ना अगस्त ऋषि को। तो वो पार करते हैं, फिर कहते हैं बहुत समय खराब किया तूने, है ना। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं ऊंचा नहीं उठूंगा, मैं आपका इंतजार कर लूंगा, आपको दोबारा ये समस्या नहीं होगी। कैलाश ठीक है। और उसके बाद ये आ करके केरला में अगस्त माला पहाड़ी पर ये खुद पूछी गई है बस जाते हैं। अगस्त माला हिल इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। फिर देखो कैसे याद रह गए सब चीजें, इस तरीके से याद हो जाएगा। फिर उधर कावेरा ऋषि जो थे जिन्होंने सरस्वती की उपासना किया था और उनको पुत्री के रूप में कावेरी प्राप्त हुई थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कहती हैं कि हमारे पिताजी से की मृत्यु हो गई, हमको जाना है। तो कहें हम नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो फिर से ऊंचा उठ जाएगा। तो आपस में कुछ झगड़ा वगड़ा हुई होगी जो भी है ना, वो वहां से पलायन कर जाती हैं और जाकर के कूर्ग में बगल इन कर्नाटक जाकर के वहां पर एक झील में गोता मार देती हैं। पीछे पीछे अगस्त ऋषि भी जाते हैं ताल कावेरी, है ना। ताल कावेरी कूर्ग डिस्ट्रिक्ट कड़ागु हिल, कड़ागु हिल कर्नाटका, बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। अगर कर्नाटक जाओ और कुर्ग ना जाओ तो फिर क्या जाओ, प्राची है नहीं है, नहीं है क्लास में, नहीं तो पता नहीं गई थी, नहीं गई थी अभी घूमने, ठीक है। तो कर्नाटका में ये जगह है, बहुत खूब ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, सोर्स है ये मतलब। हाँ ये सोर्स है, उद्गम स्थल, ठीक, ओरिजिन पॉइंट, ये सोर्स ऑफ द रिवर ताल कावेरी कुंड। वहां पर कूद जाती हैं अगस्त ऋषि, आते हैं वहां से पानी निकालना, पहले तो ढूंढते हैं जा करके तो मिलती नहीं है अंदर, है ना। हालांकि अगस्त ऋषि में बड़ा दम था, वो एक समंदर पी गए, यहाँ पर जहाँ पाकिस्तान है यहाँ पर एक सागर हुआ करता था और उसमें राक्षस लोग पहले मतलब पाकिस्तान में रहते थे, यहाँ से देवता लोग जो उत्तराखंड में रहते थे मतलब रहते हैं, और देवता लोग आए थे, उनका था कि अब तो पानी पी जाइए तो हम आके इन लोगों का वध कर दें, ये लोग छुप जाते हैं। तो इसी पानी में जाकर छुप जाते थे सागर में वो लोग राक्षस। तो क्या किए, पूरा पनिए पी गए, है ना, पूरा समंदर पी गए थे अगस्त ऋषि, इतने ताकतवर थे, है ना। फिर अच्छा अगस्त माला पहाड़ी पर एक चमत्कारी चीज पाई जाती है, है ना, एक वृक्ष अगस्त का पौधा होता, अगस्त का पेड़ होता है। अगर वो अगस्त के पेड़ पर अगर आप चढ़ करके ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको दिन में भी तारे दिखाई देते हैं, ये गजब की चीज है, ठीक है। आपको लगेगा कि रोशनी थोड़ा सा कम हो गई है आसमान की, है ना, और आपको तारे हल्के हल्के महसूस होते हैं यहाँ हैं, ठीक है। दिन में तारे दिखना हो तो आप चले जाइए केरल। तो इन्होंने पानी पूरा उसका बाहर निकालना शुरू किया, इस बार पिया नहीं, इस बार बाहर निकालते गए, बाहर निकालते चले गए और नदी बन गई, जाकर के बंगाल खाड़ी में गिरने लगी। तो देवता लोग प्रकट हुए, कहे अब क्या आप जो है ओशन लेवल जो है सी लेवल राइज करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कॉन्टिनेंट डूब जाए, बस करिए अभी नदी बन चुकी है ना, और सदा नीरा रहेंगी, कभी पानी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें
जुड़ी हुई है। तुलना करके कहानी सत्य हो या असत्य हो उससे हमें मतलब नहीं है, इससे जुड़ी हुई कई पॉइंट क्या कहते हैं जो प्री में पूछे जा सकते हैं वो हमारे दिमाग में रहेगा याद, कहने का मतलब। अगली बात, जहां से निकल रही है ना, जहां से ये, अच्छा एक तुंगभद्रा के बारे में एक और इंफॉर्मेशन बता दें, है ना, पुष्करलु मेला जो है 12 वर्ष में एक नदी पर आयोजित होता है घूम घूम करके सारी नदियों की, तो इस बार तुंगभद्रा में मनाया, तुंगभद्रा नदी पर क्या कहते हैं मनाया गया था पुष्करलु, ठीक है, तुंगभद्रा पुष्करलु, इसको याद रखना, पुष्करलु मेला इस बार तुंगभद्रा नदी पर मनाया गया था। अब 12 साल बाद यहाँ फिर तुंगभद्रा नदी पर मनाया जाएगा, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पीछे की बात है जो अभी याद आई हमको, ठीक है। सर पुष्करलु पुष्कर मेला एक ही बात है जो सुबह पढ़ाया था, पुष्कर मेला एक ही चीज है, ये अलग है, अलग है। नहीं नहीं पुष्कर मेला सही तो है वो, तो पुष्कर मेला वो तो सर पुष्कर में आयोजित होता है ना राजस्थान में, वो पुष्कर नाथ मेला अलग है, एक है पुष्करलु। अच्छा अच्छा वही पर वही, ठीक है ना, हाँ पुष्कर चार नदियों पे चार जगहों लगता है सर, तीन तीन साल के बाद ना, मतलब एक नदी पर 12 साल बाद, जी जी मतलब टोटल चार नदी पे लगती है ना ये, हाँ चार पे लगता है ना, और एक घूम के साइकिल आती है 12 साल पर एक जगह पर, ठीक है। अब जो है दूसरी बात, ये सबसे मतलब कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर तीन नदी द्वीप हैं, ठीक, थ्री रिवर आइलैंड, कौन कौन से, तीन नदी द्वीप थ्री रिवर आइलैंड्स कौन कौन से हैं, शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और श्रीरंगम ये तमिलनाडु में, ये दोनों मैसूर के पठार पे नदी तीन बार जो है कहने मतलब ऐसे ऐसे फिर एक हो जा रही है ना, और उसके बाद फिर नदियां आकर रिवर आइलैंड क्रिएट करने में हेल्प कर रही हैं, श्रीरंगम, भावनासी, पापाग्नि और कावेरी तीन नदियों के मिलने पर बनता है, पापाग्नि है ना, भावनासी नहीं नहीं भवानी, और कावेरी तीन नदियों के मिलने से श्रीरंगम रिवर आइलैंड का निर्माण होता है, बाकी मैसूर के पठार में डाइवर्ट होकर के पानी बट बट करके दो नदी द्वीप और बन रहा है, ये तीन नदी द्वीप हो गए, दो कर्नाटक में एक तमिलनाडु में। शिव समुद्रम में एक वाटरफॉल पाया जाता है दुमुहा, शिव समुद्रम वाटरफॉल कहते हैं, नाम ही वही है, जिस पर दो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए लगाए गए हैं वो प्लांट, ठीक, और उन जो दुमुहा है, दोमुहा है तो उसका नाम है, तो उसका भी प्लांट का भी वही नाम है, गगनचुक्की और बाराचुक्की, ये पूछा गया है, गगन चुक्की एंड बारा चुक्की,
दो धारा है इसकी, कहने मतलब दो मुहा जलप्रपात इस पर अवस्थित है। अगली बात आती है, ये क्या कहलाती है, दक्षिण की गंगा, गंगा आप साउथ। गोदावरी क्या थी, दक्षिणा गंगा है ना, लेकिन ये दूसरा नाम है इसका, ठीक है, यानी दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा कहलाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, अमरावती लेफ्ट और राइट बैंक के हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, दाएं और बाएं तट की सहायक नदियां, लेफ्ट बैंक लिखते हैं, हरंगी हेमावती सिमसा एंड अर्कावती। अर्कावती राइट बैंक लक्ष्मण तीर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण तीर्थ कबनी भवानी स्वर्णवती स्वर्णवती नोइल नोइल एंड अमरावती। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये जो है लक्ष्मण तीर्थ जो है ये उल्टा चलती है, मतलब सॉरी सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ईस्ट टू वेस्ट जाकर के मिलती। हाँ सर सिमसा है, सिरसा है सर, ये सिमसा 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 सिमसा, ठीक है। ये कैसे चलती है लक्ष्मण तीर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, बाकी सब सहायक नदियां वेस्ट टू ईस्ट चल के जाती हैं, मिलती हैं, और ये उल्टा चलती है लक्ष्मण तीर्थ। 2014 यूपीएससी पूछा था इसको, ठीक है, शायद क्वेश्चन नंबर 12 वगैरह के करीब था, 12 या पहले पेज पे ही था, इतना याद आ रहा। तो ये और बाकी नोइल और अमरावती जहां मिलती है वहां पर एंशियंट डैम ग्रैंड एनिकट, यहीं से फिर वो ढेर सारी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है और जाकर के बंगाल खाड़ी में मिलती है। लेकिन अभी और भी चीजें हैं जो जाननी हम लोगों को। जहां पर शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम वाटरफॉल जहां पर है, शिव समुद्रम रिवर आइलैंड जब बनाई है, दो पार्ट में टूट गई थी मैसूर के पठार में, ऐसे ऐसे नदी दो पार्ट में टूट गई, बीच में रिवर आइलैंड, दोनों ही शाखाएं जहां पर मिलती हैं वो जगह कौन सी है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलती है, इस जगह को कहते हैं मेकेदतु या गोटली गोट्सली मेकेदतु।
मेके दतु गोट स्लीप कहा जाता है, कौन सी जगह सर बताइए सर क्या मेके दतु? नहीं मतलब वो तो आंसर हो गया, क्वेश्चन क्या बताता सर? कहाँ पे मिलती हैं दोनों ब्रांचें आपस में? ठीक है तो कहाँ मिलती है? शिव समुद्र वाले सर। हाँ रिवर आइलैंड जब बना लेने के बाद में इसकी जो ब्रांचेस हैं आपस में फिर से मिलती है ना, तो उसके बाद आगे कौन सा सर रिवर आइलैंड? शिव समुद्रम वैसे जैसे नदी जा रही है सर, मतलब कावेरी रिवर फिर से ज्वाइन करती है वहां पे ना मेघदत्तु के पास। हाँ ऐसे बनाए दे रहे हैं बड़ा बड़ा। ठीक है जैसे मान लो ये क्या हो रहा जैसे मान लो ये नदी है, नदी का उद्गम स्थल है, यहां से नदी गई आगे बढ़ी तो दो पार्ट में इसकी स्ट्रीम टूट गई, नदी द्वीप बना, तो वापस फिर से जुड़ी, फिर टूटेगी, फिर ज्वाइन करेगी, फिर आगे बढ़ेगी, ऐसे है ना, और यहाँ फिर से नदी द्वीप बनेगा। यहाँ पर फिर से नदी द्वीप बनाती है, ये तीन नदी द्वीप ये हो गए, फिर आगे बढ़ती है, नोइल और अमरावती मिल जाएंगी, ग्रैंड अनिकट ये कौन सी है? पापाग्नि। भवानी यहाँ पर मेटूर बांध बना हुआ है जहां भवानी मिल रही है, बांध है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट डैम है मेटूर। सर ये पापाग्नि कौन से उसके सहायक नदी है तट की? ये हो गई राइट, शांत घाटी से निकल के आ रही है। कहां से आ रही है? शांत घाटी, साइलेंट वैली। कहां पे है ये? केरल में, केरल की शांत घाटी से आ रही है। साइलेंट वैली केरला। भवानी आ रही है अभी, सब इसके बारे में बात करते हैं। हाँ इसको बनवाया किसने था? चोल शासक थे, ठीक है, चोलों ने बनवाया था।
चोल डायनेस्टी ने इसका निर्माण करवाया था। यहीं से दो भाग, यहीं से हाँ यहीं से क्या कहते हैं नदी आगे जब बढ़ती है तो दो पार्ट में टूट जाती है। नोइल और अमरावती से थोड़ा दूर है ये, जहाँ दोनों नदी जहां पर मिलती हैं ना वहां से थोड़ा दूर है ग्रैंड अनीकट। एकदम इस पॉइंट पर ना करके हम इसको बनाते हैं यहाँ पर तो सही रहेगा। यहाँ ऐसे बनाते हैं, ई मंगलम जगह है जहां पर दोनों मिलती हैं, ठीक है। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है इसका, अखंड कावेरी, अखंड ई मंगलम। यहां से नदी का नाम हो जाता है कावेरी का अखंड कावेरी। कब होता है, कब होता है भाई, जब नोइल और अमरावती नदियां इससे आकर के मिलती है ना, तब इसका नाम हो जाता है अखंड कावेरी। सर लेकिन ग्रैंड एनीकट पे मिलते हैं ना सर? नहीं, ग्रैंड एनीकट आगे है, ग्रैंड एनीकट आगे है, ठीक है। ग्रैंड एनीकट में डैम बना हुआ है इसके ऊपर है ना, और उस वहीं से दो भाग में टूट जाती है नदी। एक है मेन ब्रांच, प्रॉब्लम हो रही है, हाँ यहाँ से दो पार्ट में टूट जाती है नदी। एक है इसकी मेन ब्रांच जो आगे बढ़ जाती है, एक है जिसका नाम बदल जाता है। यही दोनों आगे बढ़ करके डेल्टा फॉर्मेशन में हेल्प करती है, कावेरी नदी का डेल्टा बनाती है। इसका तो नाम कावेरी ही रहता, अभी क्या था अखंड कावेरी, ग्रैंड एनीकट, ग्रैंड एनीकट से टूट गई दो पार्ट में, एक हो गई कावेरी, फिर से अखंड कावेरी हो गई, फिर से कावेरी है ना, मेन स्ट्रीम है, और एक छोटी सी वेन्नार दूसरा वाली जो है साउथ वाली ब्रांच है उसे कहते हैं वेन्नार। फिर दोनों जाकर के डेल्टा बनाती हैं है ना। शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम, ये हो गए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कि रिवर आइलैंड्स। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना, भवानी नदी जहां पर मिल रही वहां पर बना है, ठीक है। इसकी जो पहली सहायक नदी है ना वो है हरंगी, दूसरी सहायक नदी है हेमावती, अर्कावती में टूर डैम के पहले हाँ यहाँ ज्वाइन करती। इधर लक्ष्मण तीर्थ, और कबिनी,
भवानी नोइल अमरावती हो गया, ठीक है। अब इनके बारे में जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जलप्रपात है जहाँ पर मेट्टूर बांध है, वहाँ पर भी एक वाटरफॉल है, उसका नाम है होगेनेक्कल वाटरफॉल। सर एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पर होगेनेक्कल वाटरफॉल है, ये पूछ ले किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। हाँ बताओ भाई। सर अमरावती आपने यहाँ पर एक तरीके से बाएं तट पे जोड़ी है और यहाँ पर लिखा है आपने कि दाएं तट पे लिखा है, कहाँ बाएं तट पे जोड़ी है? सही है, अमरावती कैसे बाया हुआ? अकरावती है, सॉरी सर अकरावती है वो, अरकावती अरकावती नीचे अमरावती है। कोयम्बटूर से आ रही है नदी, ठीक है। अमरावती कोयम्बटूर क्यों फेमस है? ईसा का वो है सर, ईसा फाउंडेशन का जो है, ईसा फाउंडेशन का सेंटर है। और इसे क्या कहा जाता है? एलिफेंट का एरिया है, मतलब अच्छा काफी पॉपुलर। कार्टून प्रोडक्शन के लिए कुछ फेमस है ये, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया ना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर में दो नदियां हैं आपस में आकर के मिलती हैं तो बनती है अमरावती, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन कौन सी पंबर और चिन्नार नदियां जो केरल से आ रही हैं, ठीक है। पंबर एंड चिन्नार केरल से आ रही नदी और यहां पर मिलती हैं, कौन है मंजमपत्ती घाटी बनाती, मंजमपत्ती घाटी में मिलती हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। कौन सी जगह है? अन्नामलाई की पहाड़ी कोयम्बटूर मंजमपत्ती घाटी, ठीक है। पालिनी पहाड़ी से होकर के गुजरती है नदी, है ना। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण केंद्र एवं नेशनल पार्क इस नदी पर बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस पर है, जैसे इस पर शांत घाटी नेशनल पार्क, तो इस पर इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। अगला बात है अमरावती बांध, इस पर बना हुआ है जहां पर मिलती है अमरावती डैम। डैम इसी के नाम पर है। ऐसे ही नंदी पहाड़ी से निकलती है अरकावती, नंदी हिल से निकलती है, कनकपुरा में जाकर के इससे मिल जाती, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूछा जाए। यहां पर एक जहां पर मिलती है एक झील का निर्माण करती है चिकरिया पन्हली झील, जहां पर मिलती है वहां पर क्या है एक लेक है जिसका नाम है, बहुत अजीब सा नाम है ना, चिकरिया पन्हली लेक यहां पर अवस्थित है। कोलार की खान से होकर के अरकावती आती है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है जो फेमस है। सर रिपीट कर दीजिए। हाँ, चिकरिया पन्हली झील है जहां पर ये मिल रही है कनकपुरा
में जहाँ पर ज्वाइन कर रही है ना, वहां पर नदी मिल रही है सर यहाँ पे, अरकावती, अरकावती ये देखो ये आ रही, रंग बदलने सब मिक्सअप हो गया सर, समझ में नहीं आ पा रहा कौन सी कहाँ पे, कहाँ से निकली कहाँ पे, कहीं से उड़ गया बताओ, फिर से सब बताए जल्दी जल्दी बोल दिया, आधा लिखा तो छूट गया इधर के उधर घुस। चलो अभी फिर से बता देता हूँ, अभी देखो फिर से बता देता हूँ, ठीक है, देखो साफ सुथरा मैप है ये, इसमें सब लिखा हुआ है, देखो अभी बता दे रहा हूँ, चिंता ना करो। देखो भाई इधर, इधर से शुरू करें, नीचे शुरू करें, इधर से देखो दो नदी हैं, एक है पंबर और दूसरी क्या है चिन्नार, केरल से आ रहे हैं, और अन्नामलाई की पहाड़ी जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है, ठीक है, तो मंजमपल्ली घाटी है वहीं जाकर के दोनों मिल जाती हैं, ठीक, कोयंबटूर में, और वहां से ये बन जाती है अमरावती, क्लियर, इसमें क्या दिक्कत ना, सरल था। दूसरी बात, इस पर एक राष्ट्रीय उद्यान है अमरावती पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण केंद्र, ठीक है, अमरावती नगर है ना, जहां पर कि अमरावती बांध बना हुआ है इस पर, और ये थिरुमुकुद्दल में जो जगह है ना, थिरुमुकुद्दल, ये इंपॉर्टेंट नहीं, जा करके कावेरी से मिल जाती है ये मेन नदी, यहीं पर एक और नदी आकर के मिलती है नोइल, जब दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो यहीं से इसका नाम बदल जाता है, कावेरी का प्रमोशन हो गया, अब इसका नाम हो जाता है अखंड कावेरी, ठीक। अब उसके आगे यहां पर देखोगे तो ग्रैंड अनिकट डैम है, एंशियन डैम जिसको चोलों ने बनवाया था, अति प्राचीनतम, और यहीं से दो पार्ट में टूट जाती है, एक मेन ब्रांच कावेरी, एक वेन्नार, और फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इतना सरल बात ना। दूसरी बात, शांत घाटी केरल से आ रही भवानी, भवानी रिवर आ रही है कहां से, शांत घाटी, वहां पर नेशनल पार्क भी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में। उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे पहली बात, भवानी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ कावेरी, कावेरी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, तीन स्टेट से बहती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना, तीन स्टेट होकर के बहती है। ये जाकर के श्रीरंगम में, जो कि रिवर आइलैंड है, वहां पर मिलती है, और एक नदी ऊपर से आ रही पापाग्नि, वो भी वहीं मिलती है, तीन नदियां यहां पर मिलकर के श्रीरंगम नदी द्वीप का निर्माण करती हैं। जहां पर भवानी मिल रही है ना, वहां पर एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है होगेनेक्कल वाटरफॉल, होगेनेक्कल वाटरफॉल, और एक बांध बना है जो बड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है, मेट्टूर बांध, ठीक, मेट्टूर डैम बना हुआ। इतना समझ में आया? यस सर। अरे होगेनेक्कल क्या वाटरफॉल है या बांध है? नहीं नहीं, होगेनेक्कल वाटरफॉल है, मेट्टूर बांध है। इतना समझ में आ गया ना?
अब अगली बात आती है, अर्कावती नंदी पहाड़ी से आ रही है कर्नाटक में, नंदी हिल से अर्कावती आ रही और कोलार की खान से होकर के आती नदी, मतलब कोलार खान जहां है, कोलार डिस्ट्रिक्ट सोने खान है ना कोलार, वहां से आती है केजीएफ। और ये कहां, हाँ और कहां मिलती है ये, कनकपुरा, कनक मतलब सोना, ठीक है तो इससे याद रखना, कनकपुरा में जाकर के ये मिल जाती है, जहां पर कर्नाटक में ही, जहां पर ये कनकपुरा में मिलती है वहां एक झील बनाती है, और झील का नाम क्या है भाई, ठीक चिकरिया, चिकरिया पन्नली, मतलब कनकपुरा में झील बनाती है, झील भी बनती है। हाँ ठीक है, अगला बात है, नहीं कनकपुरा में एक झील बनाती है जिसका नाम है चिकरिया पन्नली झील, ठीक, और ये आती है कोलार की खान से, कोला नहीं नंदी पहाड़ी से, कोलार की खान इसके नदी पर के तट पर है, क्योंकि कोलार डिस्ट्रिक्ट इस नदी के तट पर है, ठीक। हेमावती, हेमावती आती है चिकमंगलूर जिला, मैंने उसके बारे में, चिकमंगलूर भी क्या है, लोहे खान के लिए प्रसिद्ध है, चिक मंगलूर, ठीक से आती है कर्नाटक में, फिर ये मैसूर के पहले, मतलब कह सकते हैं एक जगह है कृष्णराज सागर, यहां पर डैम भी है कृष्णराज सागर, ये जगह, यहां पर कृष्णराज सागर बांध भी है जहां पर हेमावती और कावेरी आपस में मिले, ठीक क्लियर, खत्म मामला है ना, जो जो मेन बातें थी सब हम लोगों ने पढ़ डाला इससे संबंधित, और कुछ है ही नहीं इसमें समझने लायक, ठीक। सो ये क्या लिखा है, कृष्णा हरंगी पर हरंगी बांध बना हुआ है, कृष्णराज सागर ये इम्पोर्टेंट डैम है, ठीक है, और जगह भी है उसी जगह के नाम पे है, हरंगी पर हरंगी बांध बना हुआ है, कोडगी जगह है जहां मिलती है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना जो है, कहते हैं याद रखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। तो ये था, अच्छा और इसमें इंडस्ट्री वगैरह जैसे पूछ ले तो कोयम्बटूर है, अगर इसके इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है इस तरह से पूछे तो इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोयम्बटूर में है, मैसूर में है, ठीक है, कोयम्बटूर में सीमेंट फैक्ट्री है, तिरुचिरापल्ली है ना जहां पर सीमेंट फैक्ट्री है, इसके अतिरिक्त चिकमंगलूर है, कोलार है सोने के लिए प्रसिद्ध है, चिकमंगलूर लोहे के लिए प्रसिद्ध है, सलेम स्टील प्लांट है ये भी कोयम्बटूर में है ना, सलेम लौह इस्पात जो है संयंत्र लगा हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के अब हम लोगों ने ड्रेनेज पैटर्न खत्म कर डाला, ठीक। अब हम लोग इस समय तो एक कुछ ना कुछ डैम तो हो गई, जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, सीमेंट है, स्टील प्लांट है, कोयम्बटूर में तो कुछ ना कोई डैम तो हो गई, नहीं वैसा कोई डैम तो नहीं है क्योंकि कोई मेन ट्रिब्यूटरी है वहाँ है नहीं, जहाँ पर नदी मिल रही होती है ज्यादातर वहाँ पर डैम बनाया जाता है।
चलिए ठीक है भाई, तो ये अब जा करके हम लोगों का खत्म हुआ।